स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाइसी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक टैप है, ये कंसील टाइप है। यहाँ से दोस्तों पानी वहाँ को जाता है और यहाँ बाथरूम के अंदर टॉयलेट सीट के अंदर आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि पानी जो बंद नहीं हो रहा, जैसे हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं वो बंद नहीं होता, पानी चलता रहता है। तो हम यहाँ इसको रिपेयर करेंगे और आपको चेक दिखाएंगे कैसे इसको आप रिपेयर कर सकते हैं खुद ही घर पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली जो हमारी टैप का ढक्कन है, कुछ में दोस्तों आगे फ्रंट में एक स्क्रू लगा होता है, उसको आप टेस्ट पैन की मदद से बाहर निकाल कर यहाँ पर एक पेचकस की मदद से यहाँ पर स्क्रू लगा होता है उसको खोल कर खोल सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों हमारे नया मॉडल है, ये एलकी वाला है। तो आप एलकी को यहाँ साइड पे आप देख सकते हैं, इस पर स्लॉट दिया होता है, इसके ऊपर ढक्कन भी लगा होता है दोस्तों छोटा सा, उसको आप टेस्ट पैन की मदद से बाहर निकाल दें, उसके बाद एलकी उसमें फिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको आसानी से यहाँ से इस स्क्रू को खोल सकते हैं। दोस्तों स्क्रू को खोलने के बाद ये आप इससे ये ढक्कन है ये बाहर आ जाएगा, इसका जो कैप है बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इसके एक इस पर कैप लगा होता है यहाँ पे, इसको बाहर निकालना बहुत ही आसान है। आप सिंपल पेचकस की मदद से, ये हमारे पास पेचकस है, और ऐसे आप आसानी से इसको सभी तरफ से बाहर निकालते रहें तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बस एक रबड़ लगी होती है और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो ऐसे ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस वाले कैप को हम खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए पहले हम साइड को इसको सारी को साफ़ कर लेंगे। साफ़ कैसे करेंगे, कोई भी पुराना पेचकस आपके पास है, जैसे हमारे पास ये पेचकस है, तो इसको हम इसकी साइड बिल्कुल साफ़ कर लेंगे क्योंकि हमने इस चीज़ को खोलना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सीमेंट लगा हुआ है, तो इस सीमेंट को हम साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे टाइल भी इसके साथ अटैच हो रही है, तो यहाँ पे हमने बहुत ही ध्यान से यहाँ से इसको काट देंगे ताकि यहाँ पे घूमने की जगह बन जाए। तो ऐसे हम यहाँ पर चोर लगाकर यहाँ पे इसको सीमेंट को साफ़ कर देंगे। तो सभी सीमेंट को साफ़ करने के बाद मैं आपको दोबारा से चेक करवाऊँगा। सीमेंट को साइड पे कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास अब रेंच है। तो अगर आपको दोस्तों मैं जो स्पेयर पार्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप मंगवाना चाहते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो घर पर दोस्तों काफ़ी काम होते हैं, आप खुद ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएँगे लगाकर, तो काफ़ी लूज हो चुका है यहाँ पे। तो इसको हम दोस्तों यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। तो आसानी से दोस्तों ये बाहर आ गया है और हमने उसके बाद सिंपल ही है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चाबी लगाने के लिए जगह बनी हुई है। तो यहाँ पे इसको हम आसानी से खोल सकेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 15 नंबर की चाबी यहाँ पे लगेगी। तो किसी में दोस्तों कम ज़्यादा भी हो सकती है, किसी में 12 नंबर 14 नंबर लगती है। तो यहाँ पे 15 नंबर की चाबी हमारी लग रही है, तो इसको हम खोल लेंगे इसको। इसमें दोस्तों पानी भी हो सकता है, तो आप चेक कर लें एक बार। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी डिस्क जो है वो बाहर आ चुकी है। तो ऐसी सेम टू सेम डिस्क लेकर हम नई लगा देंगे। तो यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम थी, पानी जो हमारा अच्छे से बंद नहीं हो रहा था, तो हम ऐसी डिस्क लाकर यहाँ पे लगा देंगे तो ये प्रॉपर सेट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों डिस्क इसकी लूज़ हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ प्ले थी इसके अंदर, तो हमें लगा के दोबारा से फिर चेक करेंगे। तो बहुत ही दोस्तों आसान है ऐसे खोलना। तो हम यहाँ पे मार्केट से ये लेके आएंगे और दोबारा इसको लगाएंगे और फिर हम देखेंगे प्रॉपर हमारा काम हो गया या नहीं हुआ। तो ऐसे आप दोस्तों खोल सकते हैं, तो उसके बाद आपको मैं लगा के भी चेक करवाऊँगा को नई लेके आते हैं डिस्क। तो दोस्तों हम यहाँ पर नई एक डिस्क लेके आ गए हैं, ये दोस्तों डीसन कंपनी की
डिस्क काफ़ी अच्छी डिस्क होती है दोस्तों, इसकी 6 महीने की वारंटी भी मिलती है हमें, तो ये रिप्लेसमेंट हो जाती है। वैसे ये डिस्क जल्दी ख़राब ही नहीं होती, डीसर कंपनी काफ़ी हैवी है, तो अगर आप ये मंगवाना चाहते हो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये दोस्तों हमारे पास पुरानी डिस्क है, ये नई डिस्क है, इसको ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास नई डिस्क आ गई है, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जो पुराने के साथ सेम टू सेम आपकी मैच करनी चाहिए डिस्क ये। तो इसको हम लगा देंगे इसके अंदर, लगाना बहुत ही दोस्तों सिंपल है। सिंपल हमने इसको लगाकर इसके अंदर जितना हाथ से टाइट होगा हाथ से कर देंगे। उसके बाद हमारे पास चाबी है, चाबी की मदद से हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। इसको दोस्तों अच्छे से टाइट कर दें ताकि जो लीकेज वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है, यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था आपको यहाँ स्क्रू लगा होता है, तो ये डिस्क जो होती है ये दोनों में काम आ जाती है, स्क्रू वाले भी में और दूसरे वाले भी, दोनों में ये काम आ जाती है। तो एक ही डिस्क होती है, 2-in-1 होती है दोस्तों। और इसके बाद हम जो हमने ये खोला था इसका कैप, इसको हम लगा देंगे, हाथ से टाइट करते हैं, ज़्यादा टाइट करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, रेंच मारने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती, हाथ से जितना टाइट होगा बहुत है। इसके बाद इसके ऊपर जो हमने कैप लगाया हुआ था, ये कैप दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि जो साइड पे ये खाली खाली दिखाई दे रहा है ये डेकोरेशन के लिए है। तो ऐसे इसको सिंपली हम लगा देंगे। और यहाँ पे हमारे पास इसका कैप है, तो आसानी से दोस्तों ये इसका डिज़ाइन बना होता है, यहाँ पे इसके अंदर भी आप देख सकते हैं डिज़ाइन बना होता है, ये कट बने हुए हैं, तो ये कट इसके अंदर लग जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। और यहाँ पे एल की स्क्रू जो होता है वो भी आपको मैं चेक करवाऊँगा, ये दोस्तों एल की स्क्रू होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे दोस्तों एल की लग जाती है ये वाली ऐसे। तो ये एल की हम इसके अंदर फिट कर देंगे। इसके लगाने का फ़ायदा दोस्तों ये है कि अब ये ढक्कन जो है बाहर नहीं आएगा, इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टाइट करें, तो यहाँ पे अब ये बाहर नहीं आएगा, तो ऐसे हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो पानी खोल के हम चेक कर लेंगे। तो ऐसे दोस्तों आप अपनी कंसील तो जो घर वाली कंसील अगर लीक हो रही है ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो ऐसी वीडियो आपको रेगुलर हमारी मिलती रहे, ताकि जो घर के काम जो आप खुद ही आसानी से कर सकें। इसके अलावा भी दोस्तों हमारी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बन चुकी हैं, वो भी आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर बन चुकी हैं, तो वो भी जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ऐसी ही दोस्तों लगातार हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि ऐसी बहुत सारी और वीडियो आपको हमारी रेगुलर मिलती रहे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा स्पेशल वीडियोज़ और स्पेशल पोस्ट देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ओनली 29 रुपये पर मंथ का खर्चा है। तो उसमें आपके लिए वो स्पेशल वीडियोस और स्पेशल पोस्ट आपको मिलेंगे जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। थैंक यू।